तो भाई लोग आज हम लोग आया है फिर से एक नया वीडियो लेके, और अभी है हम लोग असम बोकोलिया, जो कि यहाँ पे हम लोग रेत लोड करने के लिए आया है। यहाँ से लेके जाएंगे दिमापुर, और अभी ट्रक को आगे ले जाएंगे, उसके बाद रिवर्स करके यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से हम लोग रेत लोड करेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे दिमापुर। तो आप लोग को सब दिखाएँगे, यहाँ का जो है क्या है क्या नहीं है, वो सब आप लोग को डिटेल में बताएँगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आया है जंगल का बीच में, और यहाँ का जो रोड है हम आप लोग को दिखाएंगे, ऑफ रोड है, बहुत लंबा ऑफ रोडिंग करना पड़ता है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को रिवर्स करके लगाएंगे यहाँ पे, और ये जो जगह है फिक्स का जगह है, तो इसीलिए बहुत होशियार से लगाना पड़ता है गाड़ी, देख देख के। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो गाड़ी चला जाएगा नीचे, तो अभी हम लोग गाड़ी लगा दिया है, और ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मशीन चालू कर दिया है, ये बालू के यहाँ पे जो है, और यहाँ से जो पाइप देख सकते हैं, ये पाइप, इस पाइप से जो है ऊपर भेजा जाता है रेत को। जब तक गाड़ी लोड होता है तब तक आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी मैं, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ही जल्दी हम लोग 60K पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग ऐसे जैसे पहले सपोर्ट करता था वो अभी भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग बहुत ही जल्दी 60K पहुँचने वाला है। और अभी हम लोग है असम फॉरेस्ट का बीच में, ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है, आसपास से कुछ दिखा नहीं देता है, और अभी हम लोग का गाड़ी ऑलमोस्ट लोड होने वाला है, तो लोड होके निकलेंगे और यहाँ से हर एक जगह आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो देखते रहिए, पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये क्या बात कर रहे हैं, फाइनली 3 घंटे इंतजार करने के बाद जाके हम लोग को गाड़ी लोड हो चुका है, और अभी थोड़ा आगे खींचेंगे गाड़ी को, खींच के यहाँ पे जो पानी जो है उसको गिरने देंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे। यहाँ जो जंगल का जो रोड होता है वो पत्थर से बनाया हुआ है, जो लाल लाल पत्थर होता है वो नीचे में डाला हुआ है, तो उसके वजह से कभी कभी टायर भी कट जाता है, तो वो सब देख के चलाना पड़ता है गाड़ी आराम आराम से, एक नंबर से जाना पड़ता है, और रास्ता ही बहुत ख़राब है। अभी तो सूखा है, बारिश नहीं गिरा है तो ठीक है, अभी तो चल रहा है गाड़ी, और बारिश होने से गाड़ी इधर उधर खींचता भी है, और साइड में बहुत घास वगैरह होता है, पेड़ वगैरह होता है, उसमें जाके लगने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये है जोमीर, जो कि मेरा दोस्त है, वही गाड़ी चला रहा है आज। आज तो मैं बैठ बैठ के वीडियो ही बनाऊँगा, और मेरा कोई काम नहीं है इसके अलावा, और आगे जाके दिखाएँगे। और यहाँ का जंगल देखिए, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जगह कैसा होगा। कल रात हम लोग दिमापुर से कोहिमा गया था, तो कोहिमा से वापस डायरेक्ट यहाँ पे आसाम में आ गया है, रेस्ट भी नहीं किया है, तो सुबह आके हम लोग कुछ खाया भी नहीं, हम लोग आया था रात को 3 बजे में, तो होटल वगैरह कुछ खुला भी नहीं था, तो यहाँ पे आके सो गया था जंगल के बीच में गाड़ी खड़ा करके। तो अभी देख सकते रास्ता कुछ ऐसा होता है, और जो हम लोग का डिफरेंशियल है वो नीचे लग जाता है। हम लोग का दोस्त है वो बहुत ही खुश है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं खाया है सुबह से, बहुत भूखा है, तो भूख की वजह से ये भी बहुत खुश है। तो रास्ता भी देख सकते हैं आप लोग कितना ख़राब है,
अभी तो बारिश भी नहीं गिरा है तो थोड़ा सा सूखा है तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत अंदर आ चुका था, मेन रोड से करीब 2 किलोमीटर ज़्यादा होगा हम लोग इतना अंदर गया था। और यहाँ पे ये लोग भी लोड करके साइड में लगा हुआ है। रोड देख के ऐसा दिल करता है कि गाड़ी छोड़ के पैदल पैदल चला जाओ और वहाँ से जाके किसी दूसरे गाड़ी में चला जाओ, फिर कर भी क्या सकते हैं, जा भी नहीं सकते है ना। बहुत देर बाद हम लोग को अभी मेन रोड मिला है तो अभी मेन रोड से चलेंगे और देखेंगे आगे जाके रोड कैसा है। रात को आया था हम लोग, रात में यही पे सो गया था तो कुछ दिखा था नहीं, मैं सो रहा था वो दोस्त चला रहा था। ये जो रोड है वो अभी काम चल रहा है, ये रोड का 4 लाइन होने वाला है अभी तो, बहुत ही अच्छा है, जगह जगह पे ख़राब है, जगह जगह अच्छा है। ये जो रोड है ये रोड अगर बन गया पूरा कम्प्लीट अगर हो गया तो यहाँ से कोहिमा जाने में कोई नोटी नहीं होगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बात करें तो ये रोड जो फिनिशिंग है यहाँ पे जो अभी जगह जगह पे बना रहा है तो सही है बहुत। वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग देखिए वीडियो कैसा बना है और क्वालिटी कैसा है वीडियो का और ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो सब बताइए। लेकिन एक सेकेंड, ये कौन सा गाड़ी है, बहुत फास्ट जा रहा है, आगे बढ़ेगा बहुत। आस्था में तो चला होगा, यहाँ का जो रोड है वो बहुत अच्छा होता है, पर ये जो यहाँ का जो भैंस लोग होता है, गाय लोग होता है, ये लोग को हॉर्न मारने से भी साइड नहीं देता है, थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है, बदतमीज़ है ये लोग। हाँ तुझे बदतमीज़ है, आप जाके बताए थाने में, कमते लिखे होते हैं नाम भी, हॉर्न मारता है, चलने का साइड से। देखा आप लोगों ने, ऐसा ही है का गाय लोग जो होता है, थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है बात करने का। वहाँ से हम लोग खाना वाना खा के निकल गया है, अभी हम लोग के सांडे बाज़ार
दीमापुर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और हम लोग को आगे जाके रुकना पड़ेगा क्योंकि दीमापुर में 7 बजे से पहले एंट्री होने नहीं देता है, नो एंट्री रहता है। और इसके बाद हम लोग पहले कर रहा था कि जो 4 लाइन हो जाएगा जब एक बार तो नो एंट्री नहीं होगा, तो हम लोग आगे जाके रुकेंगे, साइड करके जब देखेंगे कहाँ जगह मिलता है वही साइड करेंगे और 7 बजे के बाद निकलेंगे। यहाँ पे साइड करके 7 बजे के बाद निकलेंगे, और अभी 7 बज चुका है और हम लोग यहाँ से निकल गया है, दीमापुर घुस गया है अभी, और यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट आलोर करके, और अभी रात का 7 बजे पार हो चुका है। अभी हम लोग पहुँच गया दीमापुर सिटी टावर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे 6 माल, वहाँ पे 6 माल में जाके माल गिरा के डायरेक्ट घर में जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं है। सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम लोग भूखा रह के ये वीडियो बनाया है, बहुत ही मेहनत से दिन भर खाना वाना भी नहीं खा के हम लोग ये वीडियो बनाया है आप लोग को दिखाने के लिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना होगा और मिलेंगे अगला वीडियो में, थैंक यू।